आहार दान के बल से संयमियों को विद्या, धर्म, तप, मोक्ष सब मिलता है। अतः जिसने आहार दान दिया उसने मानो सब ही दे दिया। सभी को सागर जय। जी मैम, शुद्ध सात्विक रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रहे हैं, जिसकी सामग्री सबसे पहले तो हमने काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, इलायची पाउडर, घी, देसी घी घर का, किशमिश आधी कटोरी, एक कटोरी नारियल का बुरादा, पौन कटोरी करीब बूरा और आधी कटोरी पानी, इसके लिए सामग्री है। सबसे पहले हम घी कढ़ाइया में डाल देंगे, फिर इसके बाद पूरे ड्राई फ्रूट से तलेंगे। सभी धीमी आंच में पूरे ड्राई फ्रूट से तल लेंगे। हमें जिस हिसाब से लड्डू बनाना अपने हम थोड़े बना रहे, इससे थोड़े थोड़े ही सब सामान डाला है। अब इसको हम धीमी आंच में तल लेंगे सभी को। बादामी होने तक हम इसको तलेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब यह हमारा धीमी आंच में अच्छे से सिक चुका है। अब इसकी हम 1.5 तार की चाशनी बनाएंगे पूरा भी। अब पूरा डाल चुके हैं, इसमें आधी कटोरी करीब हम पानी डालेंगे इसकी चाशनी में। अब यह हमारी चाशनी हो चुकी है, अब इसको हम थोड़ी सी धीमी आंच में ही रहने देंगे और सही इलायची पाउडर डाल दें इसमें। अब पूरे जो ड्राई फ्रूट्स हमने तले थे वो सब इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी इसको हल्की तेज आंच में करेंगे, फिर थोड़ा ठंडा होते तक सेकेंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसके लड्डू बनेंगे। अभी ये थोड़ा गीला है, चाशनी अच्छे से पी ले। ड्राई फ्रूट्स स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भी होते हैं। इसमें कढ़ाई से खाली कर लिया, अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। यह ठंडा हो गया, थोड़ा हाथ में घी ले लेंगे। ये देखिए हमारे पौष्टिक और ताजे लड्डू बनकर तैयार हो गए ड्राई फ्रूट्स। सभी को सागर जय। जिन्हें